बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की टीम को धमकी भरा ईमेल मिला है। यह ईमेल 18 मार्च 2023 को दोपहर करीब 1:46 पर आया, जिसे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के मेल पर भेजा गया था। इस मेल पर गोल्डी ब्रार का जिक्र है। एक्टर को धमकी दी कि गोल्डी ब्रार से बात कर ले, वरना अगली बार झटका ही मिलेगा। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की शिकायत पर गोल्डी ब्रार और लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सलमान खान को मिली इस धमकी को मोहित गर्ग की आईडी से भेजा गया। इस ईमेल में कहा गया कि गोल्डी भाई को बात करनी है तेरे बॉस सलमान से। इंटरव्यू देखा ही होगा उसने, नहीं देखा है तो बोल दियो, देख लेगा। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दियो, फेस टू फेस करना हो तो वो बता दियो, अभी टाइम रहते बता दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। पुलिस ने गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ IPC की धारा 120B, 34 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी है। गैलेक्सी के बाहर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के केस में चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी कि काले हिरन को मारने वाले मामले में माफी मांग ले, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बता दे कि हम साथ साथ है फिल्म के दौरान काले हिरन के शिकार मामले में सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान पर तमाम आरोप लगे थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी ब्रार ही था, जिसने सिंगर की मौत की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ब्रार का बेहद करीबी माना जाता है और उसी के कहने पर यह पूरी साजिश रची गई थी। गोल्डी ब्रार फिलहाल फरार है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। अब सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। पुलिस से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि सलमान खान की फैमिली इस ईमेल को लेकर काफी घबराई हुई है। सोर्स ने यह भी बताया कि पुलिस ने सलमान खान को सलाह दी है कि अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए अपने शेड्यूल में बदलाव कर ले। सोर्स ने कहा कि उनकी टीम को कहा गया है कि अगले कुछ दिनों के लिए वह किसी भी तरह के ऑन ग्राउंड इवेंट से दूर रहें। उनकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है और इसे लेकर कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज भी होने हैं। बता दें कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अगले ही महीने अप्रैल में रिलीज होनी है। फिल्म रिलीज से करीब एक महीने पहले प्रमोशन शुरू हो जाता है, जिस दौरान अब सिक्योरिटी का ज्यादा ख्याल रखना होगा। ई टाइम्स को ये भी जानकारी मिली है कि एक्टर इस वक्त मुंबई में नहीं है और वो कब तक लौटेंगे इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।